स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एस सी एफ इको सिस्टम की एक और अनदर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये जो एस सी एफ की तरफ से लेटेस्ट अनाउंसमेंट आया है इसके बारे में, एंड हमारा विड्रॉल कब से स्टार्ट हो सकता है एंड आगे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल फर्स्ट रहना है तो वीडियो कर दी लाइक एंड चैनल कर दी सब्सक्राइब एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। अनाउंसमेंट में बताया गया है कि एफ एस पी एक नया टोकन लॉन्च कर दिया गया है एंड इसके आईडियो में पार्टिसिपेट करके आप एफ एस पी टोकन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डियर एस सी एफ ग्लोबल यूजर्स, जब से हमने एस सी एफ पब्लिक ब्लॉकचेन पर फिनस्वैप को लॉन्च किया तब से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा यूजर बेस फिनस्वैप पर बढ़ चुका है एंड अगर ट्रांजेक्शन्स की बात की जाए तो डेली की बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही हैं एंड डे बाई डे ये ट्रांजेक्शन बढ़ती जा रही हैं। तो इस वजह से फिनस्वैप के इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बिल्डअप करने के लिए हमने एफ एस पी टोकन का आई डी ओ लॉन्च किया है। ये स्पेसिफिकली फिनस्वैप के इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए टोकन को लॉन्च किया है एंड इस आई डी ओ में पार्टिसिपेट करके आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकती हो। एफ एस पी टोकन की टोटल सप्लाई 10 बिलियन रहने वाली है एंड सभी यूजर्स एस सी एफ ऐप के थ्रू इस एफ एस पी आई डी ओ सब्सक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एफ एस पी टोकन की ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले आप इसको आई डी ओ के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आप जितना भी आई डी ओ के थ्रू सब्सक्राइब करते हो वो लॉक हो जाता है, उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते एंड किसी दूसरी आई डी में ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हो। अगर आप इस आई डी ओ में पार्टिसिपेट करके एफ एस पी को परचेज करते हो तो आपका टोटल जो भी एफ एस पी है वो ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद 180 दिन तक स्टेप बाय स्टेप रिलीज होकर आपके वॉलेट में डेली का ऐड ऑन होता रहेगा। अब आप 11 पीएसटी टाइम के अकॉर्डिंग आपके वॉलेट में ऐड ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप उसको मैन्युअली विड्रॉल करके सेल आउट कर पाओगे। आप सभी लोगों को अपडेट रहना है एंड ऑफिशियली एफ एस पी ट्रेडिंग के अनाउंसमेंट आने तक का वेट करना है। एफ एस पी आई डी ओ सब्सक्रिप्शन के स्टार्ट होने की वजह से प्लेटफॉर्म के सभी स्टेकिंग फंक्शंस एंड कोलेटरल फंक्शंस को टेम्परेली सस्पेंड कर दिया गया है। अब अगर आपने स्टेकिंग में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आपका कोई भी कोलेटरल ऑर्डर अभी भी है तो उसको एडवांस में सेटल कर दिया जाएगा एंड आप अपना प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट ऐप के थ्रू जाकर के विड्रॉ कर सकते हो। एफ एस पी आई डी ओ सब्सक्रिप्शन ओपन होने के बाद सभी मेम्बर्स को उनके डाउनलाइन के मेम्बर्स के सब्सक्रिप्शन अमाउंट के अकॉर्डिंग आपका रिवार्ड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा एंड और अधिक जानकारी के लिए आप टीम रिवार्ड रूल्स में जाकर के उनको पढ़ सकते हो एंड उनको चेकआउट कर सकते हो। इस अनाउंसमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट पर जाकर वहां पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड उनको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आपको ये सब डिटेल्स जो बताई गई, ये सब अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग डिटेल्स बताई गई थी एंड आगे क्या होने वाला है एचसीएफ 3.0 में एंड हमारा पहले का जो इन्वेस्टमेंट है या फिर प्रॉफिट है वो उसको किस तरीके से विड्रॉल करेंगे, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करना चाहूँगा मैं सोशल गुड एप्लीकेशन के बारे में। सोशल गुड एप्लीकेशन यूएसए रजिस्टर्ड एक शॉपिंग एप्लीकेशन है। अगर आप सोशल गुड एप्लीकेशन में रजिस्टर करते हो तो आपको $200 तक की वैल्यू का इनका एसजी टोकन साइन अप बोनस के रूप में मिलने वाला है। एसजी टोकन ऑलरेडी 10 से ज़्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, इंस्टेंट आप इसको वाई सेल कर सकते हो। सोशल गुड एप्लीकेशन से एसजी टोकन अर्निंग करने के लिए आपको एक भी रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप ऑलरेडी स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, शॉपक्लूज जैसी शॉपिंग साइट से अगर शॉपिंग करते हो तो आपको यहाँ पर शॉपिंग करने पर रिवार्ड मिलता है एंड आपके जो भी ऑलरेडी साइन अप बोनस के रूप में मिले हुए 100 एसजी टोकन्स हैं वो स्टेप बाई स्टेप रिलीज होते जाते हैं। सोशल गुड एप्लीकेशन में अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप शॉपिंग करते हो तो सोशल गुड एप्लीकेशन के थ्रू कीजिए एंड शॉपिंग करने पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कीजिए। अगर आपको बेनिफिट होता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और भी ज़्यादा अर्निंग कीजिए। आइए अब बात करते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक एस सी एफ इकोसिस्टम। तो अभी सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन है, प्लेजिंग, स्टैकिंग एंड मॉर्गेज का क्या हो गया है? इसका आंसर है सभी कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप कर दिया गया है एंड सभी मेम्बर्स अपनी एल पी को रिमूव करने के बाद अपना एस सी एफ एंड एफ यू एच डी वापस ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपने अभी तक जितना भी बिजनेस किया था एंड आपकी जो भी रैंक है उसका अब क्या होगा? इसका आंसर है 3.0 एक नया प्रोग्राम है एंड ये जीरो से स्टार्ट होने वाला है। आपका 2.0 में जितना भी टीम बिजनेस था उसको जीरो कर दिया जाएगा एंड 2.0 की रैंक को मेंटेन रखा जाएगा, लेकिन नए टोकन के रूप में आपको कोई भी कमीशन रिलीज नहीं की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, एस सी एफ के साथ फिनस्वैप का जो नया टोकन रिलीज किया गया है उसके साथ पेयरिंग करके फिनस्वैप पर कब से स्वैपिंग स्टार्ट होने वाली है? फिर इसका आंसर है, जब भी फिनस्वैप का टोकन बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाएगा तब कंपनी उसकी पेयरिंग एस सी एफ के साथ करके फिनस्वैप पे ट्रेडिंग के लिए लॉन्च कर देगी।
चौथा क्वेश्चन है FUSD की USDT के साथ पेयरिंग करके जो एप्लीकेशन में स्वैपिंग या ट्रेडिंग हो रही थी उसका अब क्या होने वाला है। FUSD की USDT के साथ अभी पेयरिंग ओपन नहीं होने वाली है। आप FUSD को SCF में स्वैप कर सकते हैं, SCF को FTC BEEF20 में स्वैप कर सकते हैं। FTC BEEF20 को $7 के हिसाब से अभी जो करंट रेट चल रहा है आप सेल आउट करके कैश आउट कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो 2.0 में नेटवर्क स्ट्रक्चर बिल्डअप किया उसका क्या होने वाला है। सभी का नेटवर्क स्ट्रक्चर एज इट इज मेंटेन रहने वाला है एंड जो मेंबर्स SCF 3.0 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बस उनके स्ट्रक्चर को कंप्रेस अप कर दिया जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि अगर हम SCF 3.0 में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो हमको माइनिंग एज इट इज आती रहेगी या नहीं। माइनिंग आपको एज इट इज आती रहेगी एंड आप उसको डेली एक्सट्रैक्ट भी कर पाएंगे। तो आज किसी वीडियो में नहीं मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।